मौसम समाचार में आपको बता दें कि मौसम को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही कि यूपी में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल और वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का सिलसिला नहीं थमेगा। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि प्रदेश में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होगी। इसके साथ ही कई इलाकों में गरज चमक साथ बारिश देखने को मिलेगी और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई जगह बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं आपको बता दें कि आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय मानसून पूर्वांचल में सक्रिय है और वहां से धीरे धीरे तराई की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। वहीं पश्चिमी यूपी में बरसात कम होगी। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के कई इलाकों में आपको बता दें गरज चमक साथ बौछारें पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आपको बता दें राज्य में एक या दो जगह आकाशीय चमक बिजली चमकने की भी संभावना है। वहीं पूर्वी यूपी के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। राज्य में अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस बलिया में दर्ज किया गया तो वहीं न्यूनतम तापमान झांसी में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी में अगले 5 दिनों तक कई स्थानों पर बारिश होगी। प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर जहां पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है तो वहीं कई इलाके अब भी बारिश के लिए तरस रहे हैं। इन इलाकों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। चलिए अब जानते हैं कि किन इलाकों में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन एवं वज्रपात होने की संभावना है। इसके साथ ही कुशीनगर, महाराजगंज व आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वीडियो के आखिर में चलिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत और गृह राज्यों में IMD ने भारी बारिश की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आने वाले दिनों में देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी कर दी है। इसमें ये भी कहा गया है कि 2-3 दिनों के बीच उत्तर पश्चिम भारत में बारिश में बढ़ोतरी और होगी। अगले 3-4 दिनों के बीच उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में हल्की से मध्यम और भारी बारिश होने की आशंका है। IMD ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मध्यम से भारी बारिश के साथ कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।